तो ये बच्चों के टिफिन के लिए है ना, बेसन का चीला बिल्कुल ही स्वादिष्ट, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे इस प्रकार के चीले से। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन का चीला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीला बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने लगभग एक कटोरी बेसन लिया, ये वेट में लगभग 70-80 ग्राम के आसपास है, और एक बारीक प्याज, दो हरी मिर्च और हरी धनिया हमने काट के डाला है। उसके बाद हम मसाले, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये खड़ा जीरा, सारे मसाले को आधी आधी चम्मच, नमक भी आधी चम्मच से थोड़ी सी कम। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के इसमें पानी डाल के इस प्रकार से धीरे धीरे से मिलाएंगे करके। एक साथ पानी अपने ही डालेंगे ज़्यादा, नहीं तो इसमें गांठे पड़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़े थोड़े पानी करके आप इसमें डालते रहें और इस प्रकार से मिलाते रहें। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये बैटर तैयार होगा। तो पानी डालते जाएं धीरे धीरे और इसी प्रकार से इसे चलाते रहें, तो बिल्कुल गाढ़ा बैटर हमारा बनेगा। आप बच्चों के टिफिन के लिए रेसिपी बना रहे तो मिर्ची कम का प्रयोग कर सकते हैं टिफ़िन में देने के लिए बच्चों के लिए, या फिर आप अपने घर में भी खाने के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और झटपट बनके भी तैयार हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार का हमें कंसिस्टेंसी रखना है इसकी। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ी सी तेल डालेंगे हम एक चम्मच के आसपास, और इस प्रकार से हम बैटर को गिराएंगे। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने इतना गाढ़ा रखा है, तो आप भी इस प्रकार से ही इतना गाढ़ा रखें। ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर ये अच्छे से बनेगा नहीं, और इसे थोड़ी सी हमने फैला दिया है। आप चाहे तो ऐसे भी रहने दें, लेकिन फैलाने से थोड़ी सी अच्छे से पकेगा, ऐसे बीच में थोड़ा सा मोटा हो जाता है इसमें। तो ये देखिए हमारा एक तरफ अच्छे से सिक चुका है, तो हम इसे पलटेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया ये पका है। यहाँ पर फ्लेम को आप मीडियम टू लो पर रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारा जल जाएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं। तो है ना बिल्कुल कितना बढ़िया ये पक रहा है। तो इसी प्रकार से स्पैचुला की मदद से थोड़ी थोड़ी करके प्रेस करते रहें आप इसे, तो ये अच्छे से पक जाएगा। हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये चीला बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमने इसी प्रकार से इसे डाला, इसमें थोड़ी सी तेल यहाँ पर ज़्यादा पड़ गया था सेकेंड वाले में, तो कोई बात नहीं है, तो इसे फैला देंगे आप। तो ये देखिए ये भी एक तरफ सिक चुका है, तो हम इसे पलटी कर देंगे। तो ये देखिए है ना बिल्कुल बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है। तो इसी प्रकार से दोनों तरफ से पलट के हल्के हाथों से प्रेस करके से पकाएंगे, तो फाइनली ये बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम बच्चों के टिफिन के लिए हम इस प्रकार से इसे फोल्ड करके कटिंग करके देंगे, तो बच्चे भी खुश रहेंगे, और इसके टुकड़े ज़्यादा होंगे तो बच्चे भी ज़्यादा खुश रहेंगे इससे, और देखने में भी ये बढ़िया लगेगा थोड़ा। तो एक चीला को हमने 5 से 6 टुकड़ों में काटा इस प्रकार से रोल करके, तो आप भी इस प्रकार से दें, या फिर कोई गेस्ट भी आ जाता है तो इस प्रकार से आप कटिंग करके दे सकते हैं गेस्ट को भी। तो ये देखिए है ना बिल्कुल लाजवाब रेसिपी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये 10 से 15 मिनट में बनने वाली बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।